First of all, I would like to congratulate the Department of Social Welfare and the Women's Development Corporation for taking the initiative in launching a public awareness campaign on child marriage on the occasion of the National Girl Child Day. I would also like to thank the organizers for inviting us to this important event. समाज सरकार ने कानून बना रखा है, कानून तो पहले ही बनाया हुआ था। 1929 में ही पहला कानून बना था चाइल्ड मैरिज स्टूडेंट एक्ट, जिस समय 14 वर्ष की आयु रखी गई थी महिलाओं को बच्चियों की शादी के लिए। धीरे धीरे बना हुआ है पुरुषों की शादी के लिए, लेकिन अभी भी गाँव में काफी ऐसे मामले आते हैं जहाँ इसकी चर्चा होती है कि बाल विवाह हो रहे हैं। दुख की बात है कि सरकार के सामने ऐसी कोई खबर नहीं आती है, हमें कोई सूचना नहीं मिलती है। तो मेरा यहाँ आए व्यक्तियों से यही आग्रह होगा कि जब भी आपको सूचना मिले, तो राज्य सरकार ने जो भारत सरकार ने जो कानून बना रखा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, उसके अधीन आप उसकी सूचना जरूर दें, अपने स्थानीय पंच को दें, वहाँ के वीडियोज को दें, आपके अनुमंडल के जो अनुमंडल दंडाधिकारी हैं, सब जिला मजिस्ट्रेट हैं, वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाए गए हैं, उन्हें अधिकार दिया गया है कि इसकी सूचना मिलने पर वो वहाँ के न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक आवेदन दे सकते हैं और ऐसे विवाह को निषिद्ध करने का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। बहुत खुशी है कि आप लोग सब इस प्रकार के आयोजन में भाग लेने के लिए आई और इसमें अपना योगदान भी किया है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, कि एक इतना बड़ा मैसेज यहाँ से जा रहा है कि किस प्रकार लड़कियां जो जिन्होंने इसका जो खुद इसकी शिकार हो चुकी हैं, वो लोगों ने अपनी बात बताई, वो लोगों ने अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया कि उन लोगों के साथ किस प्रकार का ये गुजरा, किस प्रकार से उनके ऊपर पीड़ा गुजरी जब उनको इस प्रकार से फोर्स किया जा रहा था, जबरदस्ती की जा रही थी। तो इतनी महान, इतनी ज्यादा बहादुर ये लोग हमारी तरह हमारी समझ से हैं, जो कि इतने सारे परिस्थिति में बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है गांव में परिस्थिति होती है, वहाँ पे दबाव का, जोर दबाव का, अशिक्षा का माहौल होता है, परंपराओं प्रथाओं का अंधा जो अंधविश्वास होता है वो सबके खिलाफ खड़ी हो गई लड़ने के लिए और सफल भी हो गई, और फिर अपने अपने जीवन से दूसरों को भी मदद करने के लिए खड़ी है। जागल बा देखा, जागल बा देखा, जागल